वेलकम टू क्रिकेट। आज आपका पहला क्वेश्चन है, आतंकवाद के पीड़ितों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्मरण और श्रद्धांजलि दिवस कब मनाया जाता है? ये है आपका 21 अगस्त। जो यूएन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा, उसने घोषित किया है ये दिन 21 अगस्त किस लिए? आतंकवाद के पीड़ितों के लिए, उनके याद में और उनकी श्रद्धांजलि के लिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, कब मनाया जाता है ये दिवस? 21 अगस्त। दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं, भारतीय स्टेट बैंक के नए प्रबंधक निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ये है आपका अश्वनी भाटिया, ये टीके गुप्ता का स्थान लेंगी। ठीक है, और ये वर्तमान समय में म्यूचुअल फंड SBI के म्यूचुअल फंड की MD और CEO हैं। ठीक है, कौन लेंगे जगह अश्वनी भाटिया? किसकी? पीके गुप्ता जी की। और किसके हैं ये? स्टेट बैंक के प्रबंधक। ठीक है, अब अगले में चलते हैं। क्वेश्चन तीसरा है आपका, ऊर्जा मंत्रालय द्वारा ऊर्जा उत्पाद कंपनियों और ट्रांसमिशन कंपनियों को दी गई सलाह के मुताबिक लेट पेमेंट सरचार्ज की सीमा क्या है? ठीक है, तो ये है आपकी 12%। जो पहले लगती थी वो 18% थी, उसको कम करके कितनी की गई है? 12%। ऐसा करने से उपभोक्ताओं के साथ साथ वित्तीय बोझ भी कम होगा। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चौथे क्वेश्चन में चलते हैं। चौथा क्वेश्चन है आपका, मनिका बत्रा जिन्हें खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, किस खेल से जुड़ी हैं? ये है आपकी टेबल टेनिस। ठीक है, पता होगा आपको, 5 खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार और 27 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो ये किससे जुड़ी हुई हैं मनिका जी? ये हैं आपकी टेबल टेनिस से। तो आज के लास्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आपका पांचवा क्वेश्चन है, किस देश ने काला सागर तट के साथ एक बड़े प्राकृतिक गैस भंडार की खोज की? ये है उत्तर तुर्की। ठीक है, तुर्की के जो राष्ट्रपति हैं रेसेप तय्यिप, इन्होंने हाल ही में घोषणा की कि देश ने काला सागर तट के साथ एक बड़े प्राकृतिक गैस भंडार की खोज की है। प्राकृतिक गैस भंडार में लगभग 302 बिलियन, कितना? लगभग 302 बिलियन क्यूबिक मीटर क्षेत्र की खोज की गई है। ठीक है, तो किस देश ने खोज की है? तुर्की ने। कहाँ पे? काला सागर तट पे। ठीक है, तो आज के पांच क्वेश्चन आप समझ गए होंगे और अच्छे क्वेश्चन थे। अब कल मिलते हैं, धन्यवाद।